वीडियो गई तेल लेने। पहले मुझे ये बताओ कि अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा तो तुम उसे ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे? कि चूतिए मास्क पहन ले, या फिर अगर तुम पुलिस हो तो उससे एक मजबूत फाइन वसूलोगे। लेकिन जरा इसे देखो। तो गाइस आज मुझे पब्लिक प्लेस में जो भी मास्क लगाया हुआ नहीं दिखेगा, मैं उसके मुंह पे ये पॉटी वाला डायपर लगाने वाला हूं। ये है असली समाज सेवक। अरे ऐसे ही तो लोगों की जरूरत है हमें। लोगों में डर इतना है कि वो कोविड की वजह से नहीं, इससे डर कर मास्क पहनते हैं। अब इसने खुद बताया है कि ये पॉटी नकली है। अरे यार। लेकिन सोचो, तुम्हारे चेहरे पर अगर कोई नकली पॉटी भी लगाएगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन मुझ पे विश्वास रखो, कुछ लोग इसका भी मजा लेते हैं। अरे ये हंस रहा है। अरे भोसड़ी के होली नहीं खेल रहा वो तेरे साथ, तेरा चेहरा खराब हुआ है, कुछ तो रिएक्शन दे। बस यही समझ जाओ ये कितना असली प्रैंक है। अब कुछ लोग तो पटरी को भी नहीं छोड़ते। हाँ तो मेरे को शॉपिंग कराएगा नहीं कराएगा इतना बता तू। अभी नहीं करा सकता, मेरे पास भी पैसे नहीं है, ठीक है ना? दिमाग खराब मत कर। लेकिन क्या है, ज्यादा हो रहा है? हाँ हाँ, सर पे मच्छर, ठीक है ना? नीचे ही रहे। क्या कर ले, क्या कर लेगा? जहाँ लोगों का हगना मूतना होता है वहाँ भी इनका चुतियापा फैला हुआ है। 2 मिनट में बदल गई। और इसे भी कम मत समझना, ये भी बहुत पहुँची हुई चीज है। फ्री में शॉपिंग नहीं करवाएगा, ना ना। एक के साथ एक फ्री। अच्छा आजा। एक के साथ एक फ्री। अच्छा। एक के साथ एक फ्री। बैठ के नहीं, मैं नहीं। हाँ नहीं भी, मैं नहीं खड़ा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा तो खड़ा? मैं नहीं। मैं कहता हूँ अरे यार। अब हम एक ऐसा चैनल देखेंगे जिसने प्रैंक्स को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जरा देखो। तो मैं यहाँ से शॉप पे ना ब्रेड लेने जा रहा था और यार पता नहीं कैसे मेरी जिप खुल गई। अब यार बंद कर दो मेरी जिप। यार कितना ब्रिलियंट है ये, कहाँ से लाता होगा ऐसे आइडिया? कोई भी साधारण इंसान इसके बारे में नहीं सोच सकता। और मजे की बात ये है कि ये इतना लालची है कि इसने लड़कियों से भी जिप बंद करवाई और लड़कों से भी। और ट्रस्ट मी, इसे सबसे ज्यादा मजा लड़कों के साथ आया। ऐसी थोड़ा सा और बस होगी भाई, भाई। अब गोल्ड डिगर प्रैंक्स के बिना प्रैंक्स की दुनिया अधूरी है, इसीलिए अपनी सहनशीलता को नापने के लिए तुम्हें एक वीडियो जरूर देखना होगा। मुझे ना काफी देर से एड्रेस मिल नहीं रहा है और मेरी ना एक मीटिंग है यहाँ पे काफी अर्जेंट। यार आप एक मिनट मुझे बता दोगे? मैं आपको जानती हूँ, डू आई नो यू? बट यार आप ना एक हेल्प कर दो मेरी छोटी सी, मैं ना काफी देर से। मुझे हेल्प नहीं करनी एक्चुअली, आई एम बिजी इन माय फोन, सो प्लीज जस्ट। हद है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, एड्रेस देख के भी भगा सकते हो ना उसे। A few moments later. यार आपने मुझे किधर से बताया था रास्ता? क्या? Oh my God. नहीं एक बार आपने अगर मुझे एक्सप्लेन कर देना एड्रेस कहाँ से बताया था आपने? Excuse me. OMG, my favorite bike. It is your? Yes. यार एक 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 बार मेरी बात सुन लो, please. यार तुमसे नहीं हो पा रहा है, ये बहुत खराब, बहुत नकली, बहुत घटिया लग रहा है। लेकिन रुको, इस वीडियो का सबसे जहरीला सीन अभी बाकी है। मैं ना गोल्ड डिगर लड़कियों को मुंह नहीं लगाता, ओके? फक ओ यू फक ऑफ। यार क्या बोलूं अब मैं इसके बारे में, मेरे पास सच में कुछ कोई शब्द नहीं है। बस ये लड़का बहुत अच्छे फेक प्रैंक्स बनाता है। अब ये वीडियो बनाते वक्त मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी है कि एक बार तो मुझे भी शर्म आ गई। और इस वीडियो में तो इन्होंने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। सो अब भीख मांगने का टाइम आ गया है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और सबसे मुश्किल काम, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।